अरे तब से ऐसे चुपचाप बैठी है मैडम, बताइए तो क्या लिखवाना है, बोलिए ना जी। देखिए देखिए, कंप्लेन लिखवानी है पर आपसे नहीं। तो किससे लिखवाइएगा? अरे वो है ना आपके थाने की लेडी पुलिस, एकदम सुंदर सी, पतली सी, एकदम फिल्म स्टार जैसी। सुंदर सी, पतली सी, फिल्म स्टार जैसी, कौन है? आपको क्या हो गया पुष्पा जी? सुना नहीं, हमारे बारे में तो कह रही है वो। राम जी, आप जिसकी तारीफ में इतना कुछ कह गई वो आ गई है, बोली। अब नहीं नहीं आंटी जी, हमें वो दूसरी वाली से कंप्लेन लिखवानी है, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, जो स्टाइलिश हैं, इंटेलिजेंट हैं, जिनमें अलग सी बात है जिनमें। समझ गए। आप संतु जी के बारे में बतिया रही हैं, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, पतली सी हैं, फिल्म स्टार से दिखती एकदम छरहरी से हैं, कुत्ती रहती है खरगोश की तरह, अभी आती होंगी 2 मिनट में, आप उनसे लिखवा दीजिएगा। थाना को जू बना दो, चीता खरगोश। हाँ हाँ, हॉस्पिटल आई थी ना मेरे बेटे कुणाल को ढूंढने, लेकिन वो तो अस्पताल में नहीं आई थी। हाँ क्या रे माता रे, क्या चिकने? ये मैडम सर आई थी, सुंदर सी, पतली सी, फिल्मी स्टार जैसी, यही आई थी कल अस्पताल में, तो रिपोर्ट लिखा दो। लिखवा दीजिए। नहीं नहीं, वो तो दिखने में समझदार भी लग रही थी। और मैं क्या तेरे को शक्ल से गधेड़ी लग रही है? मेरा मतलब है कि, तो क्या था जो हम करके बातें कर रही थी, मेरा मतलब है जंजीर फिल्म के अमिताभ बच्चन जैसी बातें कर रही थी, एकदम एंग्री यंग मैन टाइप। करिश्मा सिंह? जी जी जी, वही वही वही, करिश्मा सिंह नाम है उनका। नहीं नहीं, वो अभी 2-3 दिन नहीं आएंगी थाना। क्यों? तुमको बताएं हम, आपको जो कुछ भी रिपोर्ट लिखवानी है हमसे लिखवाइए। नहीं, हमें रिपोर्ट लिखवानी तो उन्हीं से ही लिखवानी है। ए? अरे माफ कीजिएगा, पर मैं उन्हीं पे भरोसा करती हूँ, उनके समझाने, उनके हौसला देने पर ही मैं यहाँ पर आई हूँ। वो नहीं है तो मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं नहीं, सुनो 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 सुनो, रुको 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 रुको, हमारी बात सुनो, पेशेंस रखो, करिश्मा सिंह तुमसे जरूर मिलेंगी, ठीक है? की मैया का ये क्या करते हैं अभी? नहीं नहीं, अभी नहीं, बाद में, क्या करना था? और हाँ, ये सलाम है भैया। मलाइका तुमको सलाम है, तुम अपना घर भी संभालती हो, आगे हमारा घर भी संभालती हो, और उन सभी महिलाओं को सलाम है जो घर का काम भी करती है और नौकरी भी संभालती है। पहली बार ये करना पड़ रहा है हम सबको, और तपा गए हैं हम बिल्कुल। हाँ बोलो। हाँ बोलो, का इस तरह सीनियर से बात करने का इस तरीका है? जय हिंद बोलने का? अमा हो, रात का तुम्हारा उतरा नहीं है, या तुम दोपहर में पौवा चढ़ा के बैठ गए जो तुमको जय हिंद बोले, या सचमुच हसीना मलिक समझने लगी हो क्या तुम अपने आप को? अरे डार्लिंग, जय हिंद बोलने के लिए खाली हसीना मलिक होना थोड़ी जरूरी है, वो तो कोई भी बोल सकता है, बस सच्चा हिंदुस्तानी होना चाहिए। और मैं कौन है? उर्मिला महादेव माथे, एकदम 100% हिंदुस्तानी। बोलते जय हिंद प्लीज, अच्छा लगेगा मेरे को। हाँ जय हिंद। वेरी गुड, आता फटाफट अपनी वो जो तेरी हाथी वाली बाइक है उस पे बैठ और तुरंत उड़ के आ इधर थाने। काय के लिए? वो जो मंजू है ना, वो आई है इधर अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने को, पर बोलती है कि हम में से किसी से बात ही नहीं करेगी, खाली तू ही चाहिए, तो इसलिए और फटाफट रिपोर्ट लिख रहे हैं उसकी। नहीं 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 नहीं, हमारा बात सुनो, हम बहुत बुरा फंस गए हैं, हम तो निकल ही नहीं सकते, उसको बोलो कि किसी और को कंप्लेन लिखा दे और हम बाद में मिलते हैं उससे, ठीक है? वो नहीं मान रही ना किसी की बात, मेरी माँ, उसको खाली तेरे से बात करने का है, और तू भी कम नहीं है ना, मस्त उसको इतना बड़ा बड़ा डायलॉग चिपके कि उसके अंदर का सिम्बा जाग गया, अभी झेल। अच्छा ठीक है, उसको बोलो कि हम थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं, ठीक है? कहाँ फंस गए हैं हम, इसकी मैया का सासू मैया। बहुरानी, बहुरानी ये कैसी भाषा बोल रही थी तू? हाँ सहेली की मैया की सासू मैया आई हुई है ना, तो हमने उससे कहा कि हमारी मैया की भी सासू मैया आई है, बात नहीं कर सकते, काम कर रहे हैं। वो सब छोड़, और ये सब भी छोड़ दे, आज ना हमने पूरे दिन का प्रोग्राम बनाकर रखा है तेरे साथ। सबसे पहले ना हम लोग मंदिर जाएंगे, मंदिर के बाद हम लोग मार्केट जाएंगे, मार्केट के बाद हम लोग सुनार के पास जाएंगे, उसके बाद हम पार्लर में जाएंगे, और उसके बाद अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, और फिर हम, क्या हुआ? हाँ, इतनी परेशान क्यों लग रही है? हाँ सुबह से हमारा वो सर दर्द हो रहा है। अच्छा तो एक काम करती हूँ मैं ना,
तुझे सरसों के तेल की चंपी करके देती हूँ। नहीं नहीं वो खत्म हो गया, परसों ही खत्म हुआ। खत्म हो गया, कोई बात नहीं, हम ना अपने हाथों से तेरे सर की चंपी करके देंगे। चल। नहीं 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 नहीं, आप इतनी तकलीफ क्यों ले रही हैं? अब हम ठीक हो जाएंगे, वो थोड़ा सा सोएंगे ना, सर दर्द दूर हो जाता है। बिल्कुल सही कहा तूने, 100 रोगों का एक ही इलाज, कम्बल, तकिया और खाट। जा बच्चा, तू जाकर सो जा, सर पे ओढ़ ले। हाय कितनी प्यारी बहू है। कहाँ पाएंगे करिश्मा जी, मुझे बहुत काम है घर पर, मैं अपनी सास को अपनी बेटी के पास छोड़ के आई हूँ। हैं? मतलब बेटे को सास के पास छोड़ के आई हूँ, लेट हो गई तो बहुत चिल्लाएंगे मुझ पर। हाँ हाँ हम समझ गए। फिकर किस बात की है जब साथ है बिलू द स्पाई। देखिए आपके इस केस में ना मुझे पर्सनली इंटरेस्ट है, क्योंकि आपकी कहानी और मेरी कहानी एकदम सेम टू सेम है, इसीलिए केस के बारे में जो भी है, जितना भी है डिटेल मुझे बताओ, मैं केस सॉल्व कर दूंगा आपका। बताइए बिल्ले। ए क्या रे मातारी, किधर है तेरी आइटम, किधर है तेरी रानी मर्दानी? अभी तक तो मैं अक्खा लखनऊ के 4 राउंड मार के आ जाती। कोई लफड़ा बिफड़ा तो नहीं है उसके साथ? लल्ला का लल्ला तो नहीं आने वाला? अरे कहाँ। पुष्पा जी बताइए, पुष्पा जी सबको बताइए कि आपने अपनी बुआ सास से कितना बड़ा झूठ बोला। करिश्मा मैडम जो है सीधी सादी घरेलू वाली घूंघट वाली लड़की है। बोलिए कि आपके झूठ का भ्रम जिंदा रखने के लिए आपके बुआ सास के सामने करिश्मा मैडम एकदम संस्कारी बहू बनी पड़ी, बताइए ना। नहीं उन्हें तो भनक भी नहीं है, जिसे आप सीधी साधी घरेलू वाली लड़की बता रही है ना, पूरे लखनऊ शहर में उनका भौकाल कितना मशहूर है बताइए। अरे बोबरी बोबरी, सबको पता है, मुझे पता नहीं, पराया समझना माँ। ये टकलिया, सब जानने का तेरे को, भी पर्सनल मैटर भी जानने का तेरे को। हमें कुछ भी करके थाने पहुंचना होगा, मगर कैसे? वॉल्यूम कम हो गया है। हमारी बहुरानी सो रही है, डिस्टर्ब होगा उसे। ओ मेरे चाय और कप के पैसे, मैं कसम चुन चुन के लूंगा। ओ मैम साहब, चाय के पैसे। तो पा गए हो का तुम? मैडम जी आप इसकी क्या जरूरत थी? मुझे माफ कीजिएगा मैडम, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे नहीं लगता कि करिश्मा मैडम आएंगी। नहीं नहीं सुनो, बिल्ले आ गई मैडम, आ गई मैडम। उसका कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ? वो जी निपट गए। निपट गए? नहीं मतलब उनके हिसाब से अभी हम सो रहे हैं, अब काम कर ले हम। हाँ तो अब बताइए आपको क्या दिक्कत है, वो हम फंस गए थे जरूरी काम से, समझाइए हमें। अब मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। देखिए मैडम, मैं घर और जॉब दोनों एक साथ मैनेज करती हूँ, जिसमें मेरे हस्बैंड और मेरी सास मेरी कोई हेल्प नहीं करते, और मुझे दुख इस बात का नहीं है कि वो मेरी हेल्प नहीं करते, पर मुझे दुख इस बात का है कि वो मेरे स्ट्रगल की वैल्यू नहीं करते, मुझे समझने की कोशिश नहीं करते। मुझे शिकायत है उन लोगों से जो ये कहते हैं कि लड़कियां भले चांद पे क्यों ना चली जाए, पर घर की जिम्मेदारियां तो उन्हें ही संभालनी है, क्योंकि वो उनका काम है। घर में थोड़ा थोड़ा संघर्ष कर साथ ना देकर, चिंता में डालकर, क्या घर से बाहर निकाल देना सही है? बाप रे मैडम, ये कौन खिचड़ी बना दी आप? सॉरी सॉरी, मैं कभी कभी थोड़ा उल्टा बोल जाती हूँ। थोड़ा
नहीं मतलब जहाँ तक हमको लगता है मैडम, आपके कहने का मतलब ये है ना कि जो इसी कामकाजी महिलाएं होती हैं उनके संघर्ष में उनके परिवार वालों को उनका साथ देना चाहिए, उनके जिम्मेदारी में उनका हाथ बटाना चाहिए और उनके थकान को और चिंता को बाहर निकालने में उनका मदद करना चाहिए। यही यही मतलब है ना आपका? जी बस हाँ, हम ये करेक्ट अभी समझ में आया। बिले माँ देखिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, कभी कभी इंसान का ना स्क्रू ढीला हो जाता है, फिर उसको कसना पड़ता है और कसने के लिए हम बैठे हैं। वायरिंग ऑयलिंग सब अच्छे से कर देंगे, आपके सास को और आपके पति को बहुत अच्छे से समझाएंगे, आप टेंशन मत लो। हाँ क्या हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है? अभी टाइम नहीं है, एक सेकंड, आप ठीक तो है? कितना वक्त बचा है? ओफ, ये मासूमियत है। करिश्मा मैडम आपकी आखिरी इच्छा? हमारा टोपा लोग ना, मतलब टाइम नहीं है, लोग अपनी अपनी जिंदगी में बिजी है, तो क्या सब निपटने वाले हैं क्या? कभी कभी काम पड़ जाता है, टाइम की शॉर्टेज हो जाती है, होती है ना टाइम का शॉर्टेज? हाँ हाँ, तो वही हो रहा है हमारे साथ, काम ज्यादा हो गया है घर का और टाइम का शॉर्टेज हो रहा है। तुम्हारा पति और तुम्हारा सास किधर है? पति घर पर है और सास ऑफिस में। पति ऑफिस में, सास घर पे। हाँ समझने लगे अब हम इनको थोड़ा थोड़ा। हाँ बस अभी जाते हैं फटाक से इसके पति को और वो बुढ़िया को उठा के लाते, एक नंबर, एक बार में सारी बात समझा देगी अपनी आइटम। संतु तुम फोन करो इनकी सास को, यहाँ बुलाओ, बोलो तुरंत हमको उनसे बतियाना है, ठीक है? जी जी, तो इनके पति को फोन लगाओ और तुरंत बुलाओ, अभी अभी क्या। बुआ जी ने खाना खाया? बनेगा तो खाएंगे ना, तो अभी काम करते। मैडम इनका पति फोन ही नहीं उठा रहा है। वो शेयर मार्केट के बिजनेस में है ना, तो मार्केट ओपन होने पर वो किसी के अननोन कॉल्स नहीं उठाते, समय नहीं रहता ना उनके पास, टाइम हमारे पास भी नहीं है। चीते उठा के लाओ इनके पति को, बोलो बतियाना है तुरंत। स्टॉप, दिस इज माई केस, आई विल हैंडल, ये केस मैं ही सॉल्व करूंगा, ऑल ऑन नीड, फॉलो मी। दवाई लेना छोड़ दिया, ज्यादा पगलाया है आजकल ही। तू जा रहे चिकने की, मैं जाऊं? शांतु समझा रहे हैं, हम जा रहे हैं। ए बिल्ले, तुम टेंशन मत लो, तुम यहाँ पे बैठो, आ जाओ शांति से बैठो, आराम से बैठो। माते आप कृपया कपड़े बदल ले तो बेहतर होगा, खुद की डुप्लीकेट लग रही है। धन्यवाद संतु। मैं बोल रहा हूँ ते कमिंग, थैंक यू। एक मिनट रुक, सिट हियर। जी योगेश भैया, क्या है कि आपकी बीवी ने आपके और आपकी माई के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाया है, तो आपको हम लोग के साथ चलना पड़ेगा वहाँ। चलिए आइए, चलिए चाय बोल दीजिए तो फटाफट। अरे एक मिनट भाई साहब, मेरी वाइफ मंजू ने मेरी और मेरे माँ के खिलाफ कंप्लेंट लिखाई है, वो कंप्लेंट नहीं लिखा सकती भाई। देखिए योगेश भैया, ऐसा हुआ तो है, आपकी बीवी ने केस तो लिखवाया है, तो आपको हम लोग के साथ चलना पड़ेगा थाने। जी मुझे देखो कोई थाने वाने नहीं जाना है। तो आप नहीं आएंगे? नहीं जाना। ऐसे नहीं मानेगा ये। योगेश भाई, ये आपके कंपनी के शेयर कितने में है? हाँ, अभी काम की बात की ना आपने, एक मिनट टू लाइन पर है, ये जो है ना तुमको 2000 तक आ जाएगा। अरे अरे भाई साहब पकड़िए उसे, वो मेरा लैपटॉप लेके गया। हाँ तो मुंह का ताक रहे यार, पकड़िए उसको। अरे पकड़िए यार, चलो जल्दी। अरे पकड़ो पकड़ो उसको, चोर 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 पकड़ो। अरे 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 किधर लगी, किधर लगी, दिखा नहीं सकता। अरे 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 दूसरी बार है, आ गया बंदा। अरे चोर चोर चोर, अरे अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैडम 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 देखिए ना, लैपटॉप छीन के लाया इनका मैडम, मतलब बंदा आ गया लैपटॉप के पीछे पीछे। बहुत अच्छा काम करके आए हैं, देखिए आपका लैपटॉप यहाँ है, माँ यहाँ है, बीवी यहाँ है, आप यहाँ है, हम यहाँ है, थोड़ा गुफ्तगु हो जाए। हाँ हाँ आप लोग कीजिए गुफ्तगु, हम लोग जरा चाय पी कराते हैं। चाय वाय चाय, चल चिकने चिकने को चिकने। देखो भैया ऐसा है ना कि जो सपना होता है ना वो मर्द या औरत देखकर नहीं आता है, ये या तो किसी में होता है या किसी में नहीं होता है, और जिसमें होता है ना उसको पूरा अधिकार है कि वो अपने सपना को पूरा करे। अब देखिए ना कैसे वो अपने घर को भी संभालती है, अपना जॉब भी करती है, सब सब साथ में कर रही है, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है, ना। तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता है? आप भी उनका साथ दे जिम्मेदारियों में, आप भी थोड़ा बहुत घर का काम संभाल ले, बच्चे को संभाल ले, जैसे वो बैलेंस कर रही है, ऐसे संतुलन बनाने का काम आपका भी नहीं है? आपका ऐसा लगता नहीं है? भी प्रैक्टिकल मैडम, ये जो आप नारी अधिकारों की जो बात कर रहे हो ना, ये सुनने में ही अच्छा लगता है, आखिर तो इनको घर ही संभालना होता है। और वैसे भी मैडम आप क्या चाहती हैं कि हमारा बेटा नौकरी करके आए और घर पे आके खाना बनाए? हाँ हमने नहीं कहा है इनसे कि आप नौकरी करिए, ये अपनी खुशी से नौकरी करती हैं। समझाती कहे नहीं है इनको, बार बार चिकना चिकना बोलती रहती है हमको। तो क्या चिकनी चमेली बोलूं? इसकी मैया की सासू मैया। क्या हुआ
संतु जी पुष्पा जी की बुआ सास बड़ी माँ अंदर करिश्मा बाहर बड़ी माँ लग गई तुम्हारी माँ का लग गया गावत वड़ा पावत क्या अरे सुनो एक काम कर इधर जो है ये बुढ़िया को मैं संभालती हूँ ठीक है तू अंदर जाओ उन दोनों को संभाल ठीक है मक्खन मलाई निकल जल्दी सफेद की चमकार अरे यार बहुत ही छोटा सोच है भैया तुम्हारा ना मतलब हम मानते हैं कि उनका वेतन हाँ एक मिनट बात करें उनका वेतन तुम्हारे जितना वेतन जितना नहीं है समझ गए लेकिन वो भी उतना ही क्या है भैया क्या हो गया बताओ तुम बताओ पहले फिर हम बात करेंगे संतु कुछ नहीं हाँ क्या खड़ी रहो कुछ पछी बाहर आपकी बुआ सास आई है क्या कहाँ चल रहा है ये नहीं कुछ तो जिम्मेदारियां संभालो दोनों ऐसे बैलेंस होना चाहिए हम संतुलन कैसे हो सकता है एक मिनट यहाँ बहुत जरूरी है यहाँ से ज्यादा जरूरी है दो मिनट दीजिए बस हमको कहाँ चल रहा है ये तुम बताओ हमको कहाँ चल रहा है ये मैं बताने या कल देखो समझ आ गई कहाँ हाँ देखा बुआ प्रणाम बड़ी माँ प्रणाम मलिक SHO महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर किससे मिला है आपको हमें हमारी बहू से मिलना आप आइए आप यहाँ आइए आप आइए बैठे चाय ला रहे का सासू मैया वो सब छोड़िए आप जाइए यहाँ से हम सब यहाँ संभालेंगे वो सब घर में घर जाके देख लेंगे आपको वो अभी कहा है ना कि अभी बहुत तुरंत काम हमको याद आ गया है आगे का काउंसलिंग ये करेंगी बहुत अच्छा करती है हमको तुरंत कहीं जाना है ऐसे मलदार में अकेले कैसे जा सकती है नहीं नहीं इनके कहने का मतलब ये है कि इनको ऐसे अकेले मलदार में छोड़ के आप कैसे जा सकती है ये जा हाँ, हम समझ गए हम जाते हैं ना आप चिंता मत कीजिए हम है ना अरे हम तो उनसे भी अच्छी काउंसलिंग करते हैं ये लीजिए बदनाम स्पेशल चाय दीजिए 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 क्या बात चाय पीजिए नहीं हमें लीजिए पीना पड़ेगा हमें ना हमारी बहू से मिलना है। जामुन जलेबी निमकी क्या? अरे बेटी आपकी बहू जो है ना बहुत बिजी है काम करना पड़ता है ना फरियादी केस भी पुलिस हो क्या हो तुम लोग हमें जाने दो नहीं नहीं हम पुलिस ही हैं आप अरे हमसे बात कीजिए कोई आता ही नहीं है कभी बात करने हमें किसी से बात नहीं करनी है तुम लोग बैठो यहाँ हम जाते हैं हमारी बहू नहीं नहीं चुप रहो यहाँ खड़े रहो हम जाते हैं किसकी मौत आई अरे बुआ जी आप यहाँ प्रणाम संस्कारी है बहुत संस्कारी है वो प्रणाम प्रणाम आइए ना बैठिए ना बैठिए नहीं नहीं बैठ तू बैठ माँ जी बैठिए ना अरे वाह वैसे आप यहाँ कैसे अचानक घर में बोर हो गए थे छोटी बहू सो गई है ना इसलिए तो हमने सोचा हम यहाँ आकर देख ले तू काम क्या करती है हाँ जी तो हम कह रहे थे कि आप भी तो किसी की बहू होंगी आपकी भी तो कोई सास होगी तो सोचिए अगर आप कामकाजी महिला होती और आपकी सास घर के छोटे मोटे कामों में आपका हाथ बटाती ताकि आप पर काम का बोझ ना पड़े तो आपको कितना अच्छा लगता आपको यही लगता ना कि आपकी सास आपकी परवाह करती है आपकी कद्र करती है तो यही उम्मीद आपकी बहू आपसे करे तो फिर उसकी क्या गलती है बताइए क्या बात कर रही हैं पुष्पा जी अरे बकवास घर की बहू बेटियां बाहर जाकर काम करेगी तो क्या अच्छा लगेगा इसकी क्या नाम तुम्हारा गोमती तो गोमती अगर चाहती है कि उसकी बहू नौकरी ना करे तो इसमें गलत क्या है क्या सबको उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती है हाँ पुष्पी बिल्कुल सही कहा बहन जी सरिता वैसे सरिता तुम कौन इसकी सास बड़ी सास बुआ सास ओह बुआ जी हम घर चलकर बात करते हैं ना पुष्पी घर हो या बाहर जो बात गलत है वो तो गलत ही है ना अरे क्यों तेरी बहू अच्छी तरह से निष्ठा से घर चलाती है तो अगर गोमती चाहती है कि उसकी बहू नौकरी वोकरी का चक्कर छोड़कर अगर घर चलाए तो इसमें गलत क्या है हाँ एकदम सही कहा सरिता तूने
मेरे अंगूर मीठे और आपके अंगूर खट्टे। आप तो बिन पेंदी के लोटा निकली मैडम जी। अपनी बहू को घर में गज भर का घूंघट डाल के बैठा दिए हैं और हम अपनी बहू को घर की जिम्मेदारियां संभालने के लिए कह रहे हैं तो आप हमें यहाँ बुलाकर लंबा लंबा भाषण छाड़ रही हैं। कम से कम हम अपनी घर की औरतों को बाहर जाकर काम करने की परमिशन तो देते हैं, लेकिन आप तो हमसे भी आगे निकल गए। अपने घर की औरत को घर में ही बंद करके रख दिया और यहाँ दुनिया को बिठा कर सही और गलत का पाठ पढ़ा रही है। और वैसे भी मैडम, जिनकी जमीन बंजर हो ना, वो दूसरों को खेती करना नहीं सिखाते हैं। अरे ये क्या, सुनिए क्या हो गया? योगेश भाई, अरे सुनो, हो क्या गया? एक मिनट, मंजू तुम रो कह रही हो? कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, क्या हुआ, तुम रो कह रही हो? कुछ नहीं, बस एक बात समझ में आ गई है मुझे। का? अब मैं समझ गई कि मुझे आप पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। क्या, क्यों? एक मिनट, हमको नहीं पता कि अंदर का हुआ है का नहीं हुआ है, पर तुम हम पर भरोसा कर सकती हो? झूठ बोलना बंद कीजिए। आ, 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 आ,